बॉक्सर में दर्ज उस प्रकरण में मुलजिम जितेंद्र और उसकी माँ भौरी बाई उर्फ मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एक मुलजिम धीरज उर्फ ब्रजमोहन तब से फरार चल रहा था और इसके लिए कई बार टीमें गठित की गई लेकिन ये पकड़ नहीं आया। इस बार हमने अपनी टीम को एमपी राजगढ़ जहाँ पे इसका निवास है वहाँ सारंगपुर में गिरफ्तार करने भेजा। हमारी टीम में थानेदार जी रमेश भार्गव साहब, राम प्रताप जेठ कांस्टेबल, सुरेंद्र कांस्टेबल, ये लोग शामिल थे। इन्होंने वहाँ पहुँच कर सारंगपुर में जाके इसके बारे में गहनता से पता किया तो पता लग गया ये लड़का सद्दाम नाम से वहाँ पर रह रहा है। तो इस लड़के को वहाँ से पकड़ा, इसने अपनी आईडी पेश की, इसकी आईडी में सद्दाम पुत्र सरदार खान नाम लिखा हुआ था, वोटर आईडी में इसका नाम ये लिखा हुआ था। लेकिन फिर इसकी तस्दीक की और तस्दीक करने के बाद इसके मूल गांव में पता किया तो पता लगा ये वास्तव में मांगीलाल का लड़का, मांगीलाल भौरी बाई का लड़का ब्रजमोहनी है, इसका नाम धीरज भी है और ये अपना नाम बदल के वहाँ पर रह रहा है। इसकी माँ सद्दाम के पास, जो इसके सरदार खान नाम व्यक्ति था उसके पास चली गई थी, तो इसने अपने जो दूसरी आईडी थी उसके नाम से बना ली और इसलिए वहाँ पे इस सद्दाम पुत्र सद्दाम खान नाम से ले रहा था। इसके हमने मेडिकल भी चेक करवाया तो मेडिकल में इसका खत्म होना नहीं पाया गया, इससे पुष्टि हुई कि मुस्लिम नहीं है और इस पर इसको लेके आए और तस्दीक करने के बाद जो इस 4 साल पुराने प्रकरण में इसको गिरफ्तार किया और जेल में भेज दिया गया। इसका जो बड़ा भाई जितना वो भी इस प्रकरण में उसे जेल में चला गया।